हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। बहुत दिनों के बाद वापस अपने चैनल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं से जहाँ से ख़त्म किया था। डीसीएस कैसे काम करता है, डीसीएस क्या होता है, डीसीएस के क्या मायने हैं, डीसीएस में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोज़ में आपको सिखाया समझाया कि डीसीएस क्या होता है, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, वापस से जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो डीसीएस में आपके पास ऑपरेटिंग स्टेशन रहते हैं, जो मैंने आपका OS1, OS2, OS3 दिखाए हैं, मतलब तीन ऑपरेटिंग स्टेशन दिखाए हैं। उसके बाद एक सर्वर रहता है, जो सेंट्रलाइज सर्वर, जिसके थ्रू सारे कम्युनिकेशन होते हैं। एक आर्काइव स्टेशन, जो आपके सारे डेटाज को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। सर्वर में आपका प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर स्टोरेज होती है। इंजीनियरिंग स्टेशंस के अंदर आपके पूरा जितना भी आपका डेटा होता है वो इसके अंदर स्टोर रहता है, जैसे कि पूरा आपका ग्राफिक्स सिस्टम का पूरा ग्राफिक्स कैसा होता है वो सारा का सारा आपका इंजीनियरिंग स्टेशंस में स्टोर रहता है। लॉजिक्स, जितने भी आपके लॉजिक्स डिफाइंड होंगे वो सब आपके इंजीनियरिंग स्टेशंस में स्टोर रहते हैं। ये सारा मिलजुल के फिर आपका आता है मास्टर स्टेशन। ये आपके मास्टर स्टेशन है, मास्टर कंट्रोलर्स कह सकते हैं। मास्टरिंग स्टेशन में आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े पैनल्स जैसे दिखते हैं, जिसके अंदर आपके मेन सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस, आईओस, देन सेफ्टी मॉड्यूल्स, वो सब आपके यहाँ पे मास्टर कंट्रोल स्टेशन में रहता है। जिसको कि हम फील्ड कंट्रोल स्टेशन या FCS भी कह सकते हैं। मास्टरिंग स्टेशन ज्यादातर कई कंपनीज में मास्टरिंग स्टेशन कहते हैं, नहीं तो ये फील्ड कंट्रोल स्टेशन भी कह सकते हैं, जो बड़े बड़े पैनल्स आपको दिखते हैं, जिसमें बेसिक आपके सारे इनपुट आउटपुट ट्रांसमिट वो कंट्रोलर्स होते हैं, या फिर आपके IO कार्ड्स होते हैं, या आपके जितना भी आपका रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स रहते हैं, वो आपके मेन आपका कंट्रोल स्टेशन के जो पैनल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनके पास जो भी कुछ डेटा आता है वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर के जाता है आपका फील्ड में लगे जंक्शन बॉक्सेस पे, जो मैंने यहाँ पे JB लिखा है। ये एक जंक्शन बॉक्स है जहाँ पे कि आपका डेटा प्रोसेस होकर के फील्ड में पहुँचा है। ये फील्ड में पहुँचने के बाद यहाँ से आपका जो डेटा, जो सिग्नल होता है, वो आपका जाता है ट्रांसमीटर्स पे, ट्रांसमीटर 1 या ट्रांसमीटर 2 या ट्रांसमीटर 3, जितने भी ट्रांसमीटर्स आपके उस JB से जुड़े होंगे। अब इसके आगे की कहानी समझने के लिए हमको ये समझना है कि पहले तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता कैसे है। ये पार्ट हमारे पूरे आपके ये दोनों आपके कंट्रोल रूम में होता है, यहाँ पे कि आपका पैनल ऑफिसर या ऑपरेट करता है। ये दोनों आपके कंट्रोल रूम में है, ये आपका मास्टरिंग स्टेशन या मास्टरिंग रूम में मिल जाएगा। JBs आपके फील्ड में होते हैं, फील्ड में आपको बड़े बड़े आपको बॉक्सेस दिखते हैं, पतले पतले, जहां से कि आपका सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। उसमें बड़े बड़े वायर्स होते हैं, छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन आपको, छोटे छोटे आपको यूनिट्स दे सकते हैं। तो ये आपके फील्ड कंट्रोल्स होते हैं, जो कि आपको फील्ड में मिलते हैं। और लास्ट में आपके ट्रांसमीटर्स, जैसे वो ट्रांसमीटर्स आपके किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कंट्रोल वॉल्स हो सकते हैं, आपके टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, आपके प्रेशर ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। सो ये ट्रांसमीटर्स की बात हम कर रहे हैं कि ये फील्ड में रहते हैं। अभी ये पूरा का पूरा काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली आपका जो काम करता है वो काम करता है करेंट सिग्नल्स के बेसिस पे। करेंट सिग्नल की बात करते हैं, तो जितना भी इसमें आपका आदान प्रदान हो रहा है किसी भी डेटा का, वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का जो रेंज होता है वो होता है 4 to 20 mA। हम बात कर रहे हैं 4 to 20 mA, जीरो से नहीं है ये, 4 to 20 mA है। ये समझते हैं कि 4 to 20 क्यों, ये सवाल आपसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हम जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं पूरे के पूरे DCS में, कहीं से भी कहीं तक फील्ड से लेकर के और आपके कंट्रोल रूम से जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। वो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, वो
करंट फॉर्म में भी हो सकते हैं और वोल्टेज फॉर्म में भी हो सकते हैं। करंट फॉर्म में अगर रहेगा उसका जो रेंज रहता है वो 4 to 20 mA रहता है। तो लोग ऐसा पूछते हैं कि 4 to 20 mA ही क्यों, जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया। सो इसका मेन रीज़न होता है, पहली चीज़ कि अगर आपका किसी भी वजह से आपके खुद के इतनी लंबी लंबी वायर्स, अगर आप देखेंगे आपका कंट्रोल रूम से लेकर के फील्ड तक का डिस्टेंस जो है, जो वायर्स का है, वो वायर्स की लेंथ कितनी ज़्यादा है, तो वो लेंथ के बीच में आपका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इस पूरे करंट को ड्रॉप हो जाता है, और रेजिस्टेंस की वजह से ये आपका एक्यूरेसी नहीं देगा। सो वो जो एक्यूरेसी आपको जहाँ से मिलना चालू होती है, तो मिनिमम रेंज आपको 4 से स्टार्ट करते हैं कि 4 से रहेगा तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मीन्स आपका जो सिग्नल आप यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे कंट्रोल रूम से वाया ऑपरेटिंग स्टेशन टू द ट्रांसमीटर, वो जो आपका एक्यूरेसी वहाँ तक पहुँचेगा वो 4 mA मिनिमम हम लेके चलते हैं। हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया है कि 4 mA से अगर ट्रांसमिट करते हैं तो मिनिमम लॉसेस के साथ आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। अब आता है कि 20 mA तक ही क्यों गए, 50 mA तक क्यों नहीं गए। सो कई बार जो जितने भी DC सिस्टम्स और जितने भी आपके ऑपरेशनल यूनिट्स हैं जो कि ऑटोमेशन में हैं, चाहे वो PLC के थ्रू हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हो, उसमें जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है ये DCS और ये आपके कई बार केमिकल बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर होते हैं। इन केमिकल प्लांट्स के अंदर आपके पास कई बार ऐसे गैसेस या फिर ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं। सो अगर 20 mA का अगर हम करंट वहाँ पर देते हैं तो वो एज अ सोर्स ऑफ इग्निशन काम नहीं करेंगे। सो इसलिए हमने 20 mA का रखा है। 20 mA इज सच ए स्मॉल करंट दैट इट कैन नॉट कॉज फायर। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट कि हमने जो है 4 to 20 mA का क्यों रखा है। दूसरा स्टार्टिंग कि हमने 0 to 4 क्यों नहीं रखा, 4 इसलिए रखा है कि अगर किसी भी वजह से लाइन में ब्रेकेज होता है, अगर हम कहते हैं कि हमारी लाइन या ट्रांसमिशन की लाइन में वायर में कहीं पर भी कट गया है, किसी भी वजह से एक खलल आ गई है, तो उस केस में जो आपका करंट रीडिंग आएगी वो 0 आएगी। सो फिर हमारा सिस्टम ये रीड नहीं कर पाएगा कि फील्ड से वो चीज़ 0 हुई है कि डायरेक्ट हमने 0 की, मीन्स प्रेशर डाउन हो गया है या कोई पैरामीटर डाउन हुआ है जिसकी वजह से वो रीडिंग 0 आ रही है, या फिर हमने कोई कमांड ऐसा दिया है, मीन्स आपका करंट रीडिंग डेविएट करेगा ये बताने में कि कोई भी चीज़ अपने आप बंद हुई है कि हमने बंद की है। सो आपकी फॉल्ट फाइंडिंग कई बार ऐसी होगी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जाने पर या किसी वजह से आपका सिग्नल 0 आ रहा होगा, और एक बार ऐसा होगा कि पंप खुद खराब हुआ है या प्रेशर खुद डाउन हुआ है, उसकी वजह से भी 0 होगा। तो इन दो सिचुएशन में आपको सिचुएशन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने 0 से नहीं स्टार्ट किया है। तो अभी क्या होता है, हमने अगर OS1 से एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, वो ट्रांसमिशन है कि हमको एक वॉल्व खोलना है फील्ड में, और फील्ड में वॉल्व खोलने के लिए हमने यहाँ से सिग्नल दिया, वो सिग्नल जाता है सर्वर में, सर्वर में वहाँ से प्रोसेसर के थ्रू वो हो करके रीड करके यहाँ से प्रोसेस हो करके आपका आएगा मास्टर कंट्रोल सिस्टम में, जहाँ पे कि आपके प्रोसेसर और पूरा का पूरा आपका सिस्टम कैसे डिफाइंड है, उसमें क्या क्या लॉजिक्स हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम आपका मास्टर कंट्रोल सिस्टम में है। यहाँ से आपका किस जगह पे किस ट्रांसमीटर के पास क्या एड्रेस है, कैसे जाएगा, वो आपका मास्टर कंट्रोल स्टेशन में है। प्रोसेसर आपका सर्वर में है, जहाँ से कि आपका डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर के उसके लॉजिक्स के थ्रू वो वर्क करेगा, एक डेटा एक इनपुट के थ्रू एक इनपुट आएगा, एक लॉजिक पे प्रोसेस होगा, एक आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपका मास्टर कंट्रोल स्टेशन में जाएगा, मास्टर कंट्रोल स्टेशन के थ्रू वो एक अपना पाथ लेकर के जिस भी JB के साथ आपका जो ट्रांसमीटर ऑपरेट होना है जिसके साथ जुड़ा होगा वो डेटा वहाँ तक जाएगा उस JB तक, उस JB में जाने के बाद वो डेटा आपका उस ट्रांसमीटर तक पहुंचता है। सो मान लेते हैं सर्वर तक आपके पास करंट फॉर्म में है, करंट में आने के बाद यहाँ पर जो डेटा है वो आएगा 4 to 20 mA। किस फॉर्म में आ रहा है, 4 to 20 mA के फॉर्म में सिग्नल आएगा। ये अगेन सर्वर में आएगा, सर्वर से ट्रांसमिट होकर अगेन 4 to 20 mA में आएगा, 4 to 20 mA अगेन वापस कन्वर्ट होकर
420 मिली एम्पियर के फॉर्म में जा रहा है, जेबी तक गया, जेबी से ट्रांसमीटर में गया, 420 मिली एम्पियर के फॉर्म में सिग्नल आ रहा है। अगर आपका ट्रांसमीटर वो करंट के फॉर्म में सिग्नल अगर एक्सेप्ट करता है तो पूरा का पूरा आपको कोई भी कन्वर्टर नहीं लगता है। लेकिन अगर इसके अंदर जो है आपका एक कंट्रोल वॉल लगा है, मान लेते हैं कि ट्रांसमीटर एक कंट्रोल वॉल है, तो कंट्रोल वॉल के थ्रू इसके अंदर एक इसके पहले एक आई टू पी कन्वर्टर लगा होगा, जिसको कहते हैं आई टू पी कन्वर्टर, करंट टू न्यूमेटिक प्रेशर। सो इसमें जो 420 मिली एम्पियर जो भी हमारा करंट आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर के अंदर, न्यूमेटिक प्रेशर, जो कि जिसका रेंज होगा 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक की रेंज होती है, जो आपका कंट्रोल ऑपरेट करता है न्यूमेटिकली बेस्ड। तो आपका जिस रेंज में ये रहेगा करंट आपका 420 मिली एम्पियर में रहेगा, और आपका प्रेशर जो कन्वर्ट होगा वो 0.2 to 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बेसिस पे कन्वर्ट होता है, या इसको केजी में है तो इसको 3 to 15 PSI भी सिग्नल में कन्वर्ट कह सकते हैं, 3 to 15 PSI फॉर्म में सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये दो पार्ट हो गया। अभी ये पूरा का पूरा लूप जो क्रिएट हुआ है, ये अभी सिंगल साइडेड देखा हमने कि करंट वहां से एक सिग्नल वहां से स्टार्ट हुआ है, वो आया है सर्वर में, सर्वर से प्रोसेस होकर के एक आउटपुट आया है, वो मास्टर कंट्रोल स्टेशन में आया है, जहां से वो वापस डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक जेबी में आया है, जेबी से घूम करके जिस भी ट्रांसमीटर में आना उस ट्रांसमीटर तक आया है। अभी तो ये हुआ एक रास्ता कि हमको यहां से जाना था अहमदाबाद, हमने जो है दिल्ली से स्टार्ट किया, हम अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन दिल्ली वाले को कैसे पता कि हम अहमदाबाद पहुंचे हैं कि नहीं, उसके लिए वापस से एक सिग्नल जाना चाहिए जो कि बताएगा कि हाँ भाई हम दिल्ली पहुंच गए हैं, वो जो लास्ट कॉल होती है तो हम पहुंच गए हैं वहां पे। सेम सिस्टम यहाँ पे लूप के थ्रू है। सो एक लूपिंग के थ्रू एक सिग्नल आपका ट्रांसमिट होकर के यहाँ से आया, ट्रांसमीटर के अंदर आया। अब ट्रांसमीटर ने अपना काम किया कि कह देते हैं कि इसको एक इनपुट मिला था, इसको जो है 20% खुलना है। हम कहते हैं कि इस ट्रांसमीटर को 20% ओपन होना है। सो 20% ओपन होने के लिए इसको एक सिग्नल दिया गया 20% ओपन होने के लिए। सो ये अब 20% ओपन होने के बाद एक वापस से एक सिग्नल यहां से जनरेट करता रहेगा, वो जनरेट करके वापस बोलेगा कि मैं अभी 20% पे खड़ा हूँ, मेरा जो एड्रेस है वो 20% का है। तो ये सिग्नल जो यहाँ से जनरेट होता है ये अगेन इन फॉर्म ऑफ करंट जनरेट होता है, 4 to 20 मिली एम्पियर्स के फॉर्म में अगेन से सिग्नल जनरेट होगा, जो 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में यहाँ से वापस जेबी में जाएगा, जेबी के थ्रू वापस से आपका कंट्रोल स्टेशन में जाएगा, कंट्रोल स्टेशन से वापस आपके इथरनेट्स के थ्रू आपका वापस से सर्वर में जाएगा, सर्वर के थ्रू वापस से आपको सर्वर में सिग्नल आएगा कि हाँ भाई ये वाला ट्रांसमीटर आपका 20% खुला है। तो सर्वर उसको रीड करता है 20% खुला है, और वो चीज आपको ऑपरेटिंग स्टेशन में दिखने लगेगा। सो दिस इज द फ्लो, कैसे आपका सिग्नल OS1 से या ऑपरेटिंग स्टेशन से लेकर के आपका ट्रांसमीटर तक कैसे पहुंचता है, और कैसे वहां से बैक सिग्नल आपको सिस्टम में पता चलता है कि हाँ भाई ये सिस्टम या ये ट्रांसमीटर या ये कंट्रोलर इतना परसेंट खुला है या इतना ऑपरेशनल है या ये ऑपरेट हुआ था। सो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कि ये सिस्टम में और क्या क्या लगा हुआ है, आपका मास्टर कंट्रोल स्टेशन में क्या क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, फील्ड में ट्रांसमीटर जो लगा है वो करंट को कैसे रीड करता है या करंट को कन्वर्ट करके कैसे ऑपरेट करता है, कि वही 420 मिली एम्पियर्स का सिग्नल आ रहा है और वो कैसे लीटर्स में काम करता है, कितना लीटर है, या कैसे 10 केजी का दिखाता है, या वही चीज़ कैसे दिखाता है, टेम्परेचर कैसे रीड करता है, सेम उतना ही ट्रांसमीटर कैसे होगा, अलग अलग ट्रांसमीटर्स के लिए अलग अलग किस किस टाइप के ट्रांसमीटर्स हम यूज़ करते हैं फील्ड में, ये समझने के लिए अभी अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।
Please subscribe my channel. See you till then. Bye bye. Thank you.